नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कई क्लासेस से मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंट ग्रहों की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतरदशा के फल कैसे होते हैं, तो आज हम लोग पहुंचे हैं उसी क्रम में कि राहु की महादशा में केतु के अंतरदशा के फल कैसे होते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं कि राहु की महादशा चल रही हो और किन्नी की केतु के अंदर दशा चल रही हो तो कैसे फल मिलते हैं। ऐसे बहुत होता है कि राहु केतु दशा चल रही होती है और बहुत लोगों को डरा दिया जाता है और बहुत लोगों को बहकाया जाता है कि भाई आपका तो राहु केतु की दशा है तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, तो इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में ऋषि पाराशर ने बड़े स्पष्ट रूप से बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा है कि राहु की महादशा हो और केतु की अंतरदशा हो तो क्या फल हो। उन्होंने कहा है, राहो अंतर्गते केतो भ्रमणम राजतो भयम वात जरादि रोगश्च चतुष्पाद जीव हानिकतः। यानी राहो अंतर्गते, यानी राहु की महादशा के अंतर्गत केतो, केतु की अंतर्दशा हो तो आदमी भ्रमणम राजतो भयम, भ्रमण ज्यादा करता है, उसको राज भय रहता है। राज भय मीन्स कि कंपनी में जहां भी सरकारी नौकरी करता है या जैसी नौकरी करता है उसको नौकरी से हमेशा एक भय बना रहता है। वात जरादि रोगश्च, वात रोग होते हैं, ज्वर आदि रोग उसको लगे रहते हैं। चतुष्पाद जीव हानि करता है, या उसके पास जो भी चौपाए होते हैं उनकी हानि होती है, क्योंकि पहले तो आदमी का धन जो होता था वो यही होता था कितने पशु किसी के पास हैं, तो उसी की हानि को बोला जाता था कि राहु की महादशा हो और केतु की अंतरदशा हो तो भ्रमण बहुत होता है, राजा का भय रहता है, वात ज्वर रोग रहते हैं और चतुष्पाद या जितने भी हमारे चौपाए हैं उनकी हानि होती है। फिर ये कहा गया है कि यदि केतु राहु की महादशा हो और यदि केतु अष्टमाधीप संयुक्ते देहे जाड्यम मनोव्यथा, अष्टमाधीप संयुक्ते मीन्स के अष्टम भाव के स्वामी के साथ संयुक्त हो, यदि केतु अष्टम भाव के स्वामी के साथ संयुक्त हो तो क्या होगा, देहे जाड्यम, देहे जड़ हो जाती है। जड़ मीन्स के मतलब जो काम करने लायक आपकी हिम्मत नहीं रहती, शरीर आपका काम करने लायक नहीं रहता। मनोव्यथा, मन के अंदर आपकी व्यथा स्टार्ट हो जाती है, मानसिक रूप से आप परेशान होने शुरू हो जाते हैं। कब, जब केतु जिसकी अंतरदशा है वो आठवें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, यदि वो शुभ युक्ते सुभेर दृष्टे देह सौख्यम धनागम, यदि केतु इसके विपरीत शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो ऐसी दशा में देह सौख्यम यही धन की प्राप्ति भी होती है, धनागम प्राप्त होता है, राज सम्मान भी प्राप्त होता है, इस तरह की चीजें भी प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो यही आपको लगाना है कि राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा हो तो भ्रमण राजभय वात ज्वर आदि रोग आदि होते रहते हैं, पशुओं की हानि होती है। यदि वो अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो केतु तो देह जड़ हो जाती है, मानसिक व्यथा बन जाती है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। और यदि केतु शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से दस्त हो तो ऐसे में शारीरिक सुख, धनागम, राज सम्मान तथा आभूषण आदि की प्राप्ति भी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा है, लग्नाधिपेन संबंधे इष्ट सिद्धि सुखावहा, यानी लग्नाधिपेन संबंधे, यानी लग्न के अधिपति से, लग्नाधिपेन मीन्स के लग्न के अधिपति से संबंध हो, लग्नाधिपेन संबंधे लग्न के अधिपति से संबंध हो किसका, केतु का, इष्ट सिद्धि सुखावहा, तो इष्ट सिद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है। यदि केतु का सहचार्य या केतु का संबंध लग्न लग्नेश से हो तो सुख एवं विष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है। लग्नाधिपो समायुक्तो लाभो अभक्ति ध्रुम, और यदि केतु लग्नेश से युक्त हो, वो तो अभी संबंध की बात की है ऊपर, तो पहले अब कहते हैं लग्नाधिप समायुक्ते, यानी लग्न का अधिपति यदि समायुक्ते साथ बैठा हो केतु के तो ऐसे में लाभ होता है, धन का लाभ होता है, चतुष्पाद जीव लाभ है, चतुष्पाद का लाभ होता है, स्यात् केंद्रे कोण उपस्थिति, और यदि केतु केंद्र तथा त्रिकोण में स्थित हो तो पशुधन की वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने ये केतु की दशा सुन लिया, राहु में केतु की दशा है तो आप घबरा गए, उसका नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये चेक कर लीजिए कहीं आपकी कुंडली में केतु का संबंध लगने से तो नहीं हो रहा, या केतु को शुभ ग्रह तो नहीं देख रहे। तो केतु का संबंध अगर लग्नेश से हो रहा है तो सिद्धि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, और केतु का लग्नेश के साथ ही बैठ गया तो धन धान्य की प्राप्ति होती है,
उसके अलावा केतु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी पशु धन की वृद्धि होती है, तो भी आपके धन की वृद्धि होती है। तो इसलिए केतु की दशा में आते ही घबराना नहीं चाहिए। केतु केवल दो भावों में प्रॉब्लमेटिक है, उसके लिए ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रंध्र स्थान गते केतो व्यय व बल वर्जिते तद भुक्तो बहु रोगे चाचौराहा व्रण पीड़नम पितृमात्र वियोगश्च भातृदेशो मनोरुजा द्वितीय धुन नाथेतु देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहार्तम छागदानम च कार्येत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब स्पष्ट है कि रंध्र स्थान गते केतु, अगर केतु आठवें भाव में हो, रंध्र स्थान बोलते हैं आठवें भाव को, यदि केतु आठवें भाव में आपकी कुंडली में बैठा है, व्यय या बारहवें भाव में बैठा है, बल वर्जिते बल के बिना है, बलहीन है, यदि केतु आपकी कुंडली में आठवें या बारहवें भाव में बैठा है और बल के बिना है, बलहीन है, तद भुक्तो बहु रोग है, तो ऐसी दशा में बहुत रोग होते हैं। स्यात् चौराहा व्रण पीड़नम, चोर से पीड़ा होती है, कोई चोट लगने के चांसेस होते हैं, चोट लग सकती है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, पितृ मात्र वियोगश्च, पितृ और माता, माता और पिता से वियोग हो सकता है, भातृ द्वेषो भाई के साथ द्वेष हो सकता है, मनोरुजा, समझ गया? इसका मतलब यह है कि केतु यदि आठवें या बारहवें स्थान में हो और बलहीन हो तो ऐसी दशा में रोग रोग की रोग होता है, चोर या सर्प आदि की से पीड़ा होती है, चोट लग सकती है, माता पिता से वियोग होता है, भाइयों से द्वेष एवं मानसिक रोग होता है, मनोरुजा। द्वितीय धुन नाथ हेतु देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहार्तम छागदानम च कार्ये। वो कहते हैं द्वितीय, द्वितीय में द्वितीय भाव में हो, धुन नाथ हेतु यानी सातवें भाव में हो, जो हमारे दोनों मारक भाव हैं, अगर केतु द्वितीय भाव में है या सातवें भाव में है तो उसी के स्वामी की तरह काम करेगा। तो इसलिए अगर केतु द्वितीयश हो या सातवें भाव के स्वामी हो तो देह बाधा भविष्यति, तो देह में बाधा होती है, रोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती, और तद दोष परिहार्थम, तो ऐसे दोष के परिहार्थ के लिए, इस तरह का दोष अगर हो किसी कुंडली में, केतु द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में बैठा हो और उसकी अंतरदशा हो, तो दोष बचाने के लिए, देह बाधा बचाने के लिए छाग दान करना अभिष्ट होता है। छाग दान करेंगे तो इस तरह के दोष खत्म हो जाते हैं और शांति की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं आपको ये राहु में केतु के अंतरदशा का अर्थ समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि ऐसा बुरा नहीं है जैसा होता है। और इसके अलावा हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों तो वो कृपया दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।